बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। जहाँ कहीं भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें दोस्तों। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग दोस्तों शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो मैंने दोस्तों टुंटुन मौसी को जब चारा डाला ना, जब से हमने इसकी हैप्पी बर्थडे मनाई है ना दोस्तों, ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहने लग पड़ी है। अब भी मैंने दोस्तों पहले ये चारा डाला है, बाद में इसे इधर बांधा है आके, ठीक है ना। तो पहले जब मैं आता था ना दोस्तों, सबसे पहले इसे बांध कर और फिर चारा डालता था, लेकिन अब दोस्तों ये गुस्सा करने लग पड़ी है, पता नहीं क्या मसला बना है इसे, ठीक है ना। मेरे ख्याल में जब वो जो हमने गुब्बारे वो फटे थे ना, गुब्बारे इसके सर पर बांध कर फाड़े थे, ठीक है ना, उसकी वजह से मेरे ख्याल में दोस्तों मुझसे नाराज़ है। तो लेकिन आस्ते आस्ते इंशाल्लाह इसे मनाने की कोशिश करेंगे, आस्ते आस्ते मान जाएगी दोस्तों। दोस्तों माशाल्लाह आज है 11 ईद मिलादुन्नबी, ठीक है। तो हमने अपनी गली को कुछ सजाया आज, आपको चल के दिखाता हूँ और ब्लॉग के साथ दोस्तों जुड़े रहिए, एंड तक देखिएगा। माशाल्लाह दोस्तों ये देखें, हमने गली सजाई है ना, 1.5 घंटा लगा के दोस्तों ये गली सजाई है। दोस्तों माशाल्लाह 12 रबी वाला सुबह जोड़ा दिन है ना जी, उनके वास्ते माशाल्लाह गलिया में पानी जेड़े ना छिड़कन का इंतजाम हो रहा है। यह माशाल्लाह ड्रम जो पूरे पिंड भरीज रहा है, यह भर के पूरे पिंड जाके ना जी खिलारना है पानी, ताकि जोड़ा ना मिट्टी कट्टा जम जाए। मैं गल करी पानी थोड़ा थोड़ा जाना भेजा नहीं अज तक है। दोस्तों जो सुबह ना इंशाल्लाह पूरा जरा मिलाद का हिसाब होना ना दोस्तों थोड़े ना शेयर करेंगे, क्योंकि आपके साथ शेयर करेंगे मिलाद का जो भी इंतजाम हुआ, ठीक है ना। गलियों को कैसे सजाते हैं, इंजॉय कैसे करते हैं, तो फिर जिसने मिलाद नबी का दिन है सुबह, तो आपको पूरी जो रूटीन है ना सुबह इंशाल्लाह शेयर करेंगे, तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। हाँ जी दोस्तों, हूँ मैं चल के तुम वहाना वा जरा जो पानी इधर से भर रहे हैं ना वो कहाँ पर फेंक रहे हैं, ठीक है ना, आपको दिखाता हूँ जाकर अभी। हाँ जी दोस्तों देखो यहाँ पर पानी फेंका हुआ, सभी बाजारों में पानी फेंका हुआ। जी हाँ जी दोस्तों, हमने वो जो ना सजावट वगैरह करके अभी सुबह माशाल्लाह से फजर की नमाज़ पढ़ के आए हूँ। पूरी गलियों में दोस्तों हम लोग घूमे, यानी कि महफिल जो मैं यानी कि गलियों में होता है ना मिलाद की, ठीक है ना, यानी कि हजूम के साथ चलते रहे। तो अभी वापस कर रहा हूँ, नाश्ता किया है, तो अब आपको दिखाता हूँ भी वो होते ना ट्रैक्टर, उनको सजाते कैसे और बच्चे ईद मिलाद नबी कैसे मनाते हैं। तो दोस्तों आज की पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करो। हाँ जी दोस्तों, मैंने सबसे पहले पानी फेंका इधर, ठीक है, ये देख रोड सारा पानी फेंका और सफाई की है, और इस तरह भी दोस्तों पानी फेंका सफाई की है। तो माशाल्लाह से आज दोस्तों ठंडी ठंडी हवा चल रही है अल्लाह की करम से, ठीक है ना। तो ये देखिए तो आपको दिखाता हूँ, बहुत ही तेज़ माशाल्लाह हवा, तो आपने वीडियो को देख
भाई को लिया सिलेंडर, सिलेंडर गया सी मुक ते लैके चलिए हम घर ते सिलेंडर चल के लवाने हैं ते फिर चाह चुह पीनी की सारा दिन भाई ना इंजॉय कर दिला सिलेंडर लै लवे भाई। हाँ दोस्तों सिलेंडर मैंने लगवा दिया घर में आकर, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने काम किया ना अपने मुफासा को दोस्तों, आज की जगह जो ना उसकी चेंज कर दिया, क्योंकि वो जो हमारे छोटे मिनी जू में रहता था अब दोस्तों उसको इधर लेकर आए हैं अपने घर में। और इसको दोस्तों दाना पानी मैंने डाल दिया और माशाल्लाह से दूध पी रहा है। पियो पियो पियो। ये दोस्तों इसको दाना डाल दिया, तो अब चलते हैं अपने मिनी जू में। तो आज हमने सारा दिन जो अपने शहर है मेरा आरब वाला, उसमें सारा दिन हमने दोस्तों ईद मिलाद नबी का जश्न मनाया। और घर आते ही दोस्तों सिलेंडर भरवा कर दिया एक, और फिर हमने मुफासा को दूध वगैरह खाना पानी डाला। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने छोटे से मिनी जू में, वहाँ की आपकी जो छोटी सी आज की रूटीन है वो भी शेयर करते हैं। चलिए दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो दोस्तों बस एक या दो दिन इंशाल्लाह ये जो हमारा जितनी भी जगह ना दोस्तों इंशाल्लाह पर नए केजेस इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। और जो हमारा जो है ना ये दीवारें हैं इन पर भी हमने पेंट वगैरह अच्छे तरीके से कर देना दोस्तों अन करीब एक दो दिन इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी दोस्तों मूंजी की फसल तैयार है मेरे ख्याल में, उसे वो कल कटवाना शुरू कर देना है। उससे फारग होंगे जब जैसे ही एक दो तीन दिन लगेंगे, क्योंकि वो चार एकड़ माशाल्लाह से हमारी मूंजी की चावल की फसल है दोस्तों। जब उधर से फारग होंगे इंशाल्लाह फिर जो है ना ये जू का काम इंशाल्लाह दोस्तों शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।